हेलो गाइस, अगर आपका लैपटॉप स्लो वर्क कर रहा है तो आप एक बार SSD चेंज करके देख लीजिए, इससे आपकी लैपटॉप की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसे चेंज करने के लिए लैपटॉप के बैक साइड में आपको दो स्क्रू देखने को मिल सकते हैं, आपके लैपटॉप में ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसको सिंपली यहाँ से ओपन कर लेना है और इसके बाद बैटरी को रिमूव कर देना है और फिर कवर को ओपन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगी, जो कि पहले 500 GB का हार्ड डिस्क लगा हुआ था। इसको रिमूव कर देते हैं और अब इसमें इंस्टॉल करते हैं 256 GB की SSD। दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यदि आप बाय करना चाहते हैं तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ इस तरह से इसके कनेक्टर को लगा लेना है और इस तरह से फिट कर लेना है, इस तरह से भी इसको फिट कर सकते हैं। इसके बाद इसके कवर को अच्छे से फिट कर लीजिए, लॉक वगैरह सही से फिट कर लीजिए। उसके बाद इसके स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दीजिए और बैटरी लगा दीजिए। इसके बाद जब इसको ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इसमें विंडोज इंस्टॉल नहीं है। तो चलिए दोस्तों एक बार इसमें विंडोज इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑलमोस्ट दोस्तों विंडोज इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा PC ऑन हो चुका है और अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों ये पहले काफ़ी बफरिंग वगैरह करता था, अभी तो ये बफरिंग वगैरह भी नहीं कर रहा, अच्छा से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आपका PC या लैपटॉप स्लो वर्क कर रहा है तो एक बार SSD चेंज करिए और आपके लैपटॉप की स्पीड 100% बढ़ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।